नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। प्रियंका मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल धामपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा ने पौधरोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद करीब 50 से भी ज्यादा पौधे विद्यालय परिसर में रोपित किए गए। इस मौके पर श्री राणा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना वृहद वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत ये अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में पेड़ों के महत्व को समझें और समाज को प्रेरित करें। पेड़ नहीं होंगे तो वातावरण का प्रदूषण सांसों में जहर घोल देगा, इसीलिए अधिकाधिक संख्या में वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी द्वारा उनके आह्वान पर पूरे प्रदेश में पेड़ लगाने का सिलसिला शुरू हुआ है और इस वर्ष 25 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य हमने रखा है। और लगाना ही नहीं, साथ में उनकी देखभाल करके ये जिम्मेवारी भी दी जा रही है। गांव पंचायत में मनरेगा के लोगों को लगाया जा रहा है। जो वृद्ध लोग हैं, कमजोर लोग हैं, वो निरंतर उनकी देखभाल करते रहेंगे। और यहाँ तो स्कूल है, यहाँ तो छह माली हैं, यहाँ तो अपने ये करते ही रहेंगे। और निश्चित तौर पे वृक्षों का महत्व अब हर आदमी समझने लगा है, क्योंकि आप अगर बड़े शहरों में चले जाएं तो वहाँ हवा की क्वालिटी इतनी ख़राब है कि नॉर्मल आदमी भी अस्थमा से पीड़ित हो जाता है। वही व्यक्ति अगर ऐसे माहौल में आ जाए, साफ सुथरी हवा में आ जाए, तो उसका अस्थमा का आधे ज़्यादा रोग अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए पेड़ों की महत्ता को समझते हुए और जो मौसम का चक्र है उसको भी ये प्रभावित करता है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश कम होगी तो और सब सूखा पड़ेगा, पानी के पीने की बहुत बड़ी दिक्कत जिस तरह बुंदेलखंड वगैरह में आती है। तो ये पूरे प्रदेश में अभियान चला है और मैं समझता हूँ इसके नतीजे